जब संदेह के आधार पर इन्हें डिटेन किया गया, कड़ाई से पूछताछ की गई, तो इनके द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई और इनके बयान के आधार पर हम लोगों ने वादी के घर से जो सामान लूटा गया था वो बरामद किया है। आप जैसा देख रहे हैं, ज्वेलरी और कैश हम लोगों ने बरामद किया। घटना का कारण जो इनके बयान से अभी तक आया है वो ये है कि इन करी कि अपने मित्र के घर चोरी करेंगे। और 27 जून तकरीबन 7 बजे के आसपास जो है हरबनपुर थाना में एक सूचना मिली कि करण विहा गांव में 2 लोगों की डेड बॉडी है। थाना के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत ये पाया गया कि 2 लोगों की हत्या कर दी गई है, उसमें एक 4 साल का बच्चा था और एक वृद्ध महिला थी। तत्काल जो है पुलिस ने इस कांड को गंभीरता से लिया और जिला स्तर से इसमें SIT का गठन किया गया। जांच की प्रक्रिया आरंभ की गई। टेक्निकल टीम के द्वारा जो है वो निरीक्षण किया गया और डॉग स्क्वाड ने निरीक्षण किया, FSL के द्वारा निरीक्षण किया गया। घटना में विस्तृत घटनास्थल की जांच और पर्यवेक्षण के बाद ये संदेह जो है हमारा बयान वगैरह लेने के बाद संदेह जो है वो रविकांत कुमार उर्फ झुन्नू, जो कि इनके पड़ोसी हैं वादी पक्ष के, इस पर पुलिस का संदेह गया। और जब संदेह के आधार पर इन्हें डिटेन किया गया, कड़ाई से पूछताछ की गई, तो इनके द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई और इनके बयान के आधार पर हम लोगों ने वादी के घर से जो सामान लूटा गया था वो बरामद किया है। आप जैसा देख रहे हैं, ज्वेलरी और कैश हम लोगों ने बरामद किया। घटना का कारण जो इनके बयान से अभी तक आया है वो ये है कि ये कर्ज में थे और कर्ज में रहने के कारण पैसा चुकाने की मंशा में इन्होंने ये प्लानिंग करी कि अपने मित्र के घर चोरी करेंगे और उस पैसे से अपना कर्ज चुका देंगे। लेकिन जो परिवार में वृद्ध महिला थी वो जाग गई और उसके बाद बच्चा भी जाग गया और इसने जो है वो दोनों की हत्या कर दी। बड़ी जघन्य घटना थी। इसमें ना सिर्फ जो है लोकल जो गांव वाले थे वो काफ़ी दुखी थे कि पुलिस के स्तर से भी जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया उन्हें भी काफ़ी संवेदना थी। हमारे लिए एक चैलेंज था। इन्होंने शुरुआत में जो है पुलिस को बहुत बरगलाने की कोशिश करी, अपना जुर्म नहीं कबूला, लेकिन जब हम लोगों ने एविडेंस के साथ और चीज़ों को इनके सामने बार बार रखा कि ये फिर कैसे हुआ, बार बार इनको इंटरोगेट किया, तो फिर इन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और हम लोगों ने सामान इत्यादि बरामद किया। इस कांड में अकेले अभियुक्त हैं, फिलहाल अनुसंधान अभी चल रहा है, अकेले अभियुक्त हैं और पूर्ण रूप से जो है कांड जो है डिटेक्ट हो गया है। और इसके लिए जो है हमारी SIT के जो भी मेंबर हैं, DSP हिलसा, CI एकंगर सराय, थाना अध्यक्ष परवलपुर और SIT में SI सद्दाम हुसैन और SI आलोक कुमार, ये सभी बधाई के पात्र हैं, इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। और परिवार को मैं यही कह सकता हूं कि हमारी संवेदना उनके साथ है और उनको जो भी हम पुलिस के स्तर से डिटेक्ट करके उनको जो है वो शांति दे सकते थे देने का प्रयास किए हैं और हम दुआ करते हैं जो मरने वाले हैं उनकी आत्मा को शांति। संदेह का आधार क्या था सर? संदेह का आधार यही था कि जब हम लोगों ने बच्चे के माता पिता से विस्तार पूर्वक बात करी और बच्चे के परिवार से बात करी, तो इनके द्वारा बताया गया कि जिस तरीके से घटना हुई है वो किसी परिचित व्यक्ति के द्वारा की गई है। तो हमने जितने भी परिचित थे सभी लोगों को टटोलने की कोशिश करी और फिर हमें कुछ और साक्ष्य मिले जो अनुसंधान का विषय है, मैं विस्तार पूर्वक आपको नहीं बता सकता। तो उन चीज़ों को समेटने के बाद हमारा संदेह जो है सबसे अधिक इस व्यक्ति पर ही गया और फिर इनको, जैसे मैंने बताया कि कल दिन भर इंटरोगेट किया गया और फिर इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्होंने कन्फेस किया और कन्फेशन के बाद सर अकेले घटना को अंजाम दिया। जी।